भाई शादी है भाई, यार उड़ जा यार, भाई भाई उड़ जा यार, ऐसे मत कर यार भाई, भाई की शादी है यार। आधे घंटे से उठा रहा हूँ, उठ नहीं रहा है। कोई बात नहीं, भगवान सब देख रहा है, इसका भगवान देख बताएगा इसको। अब हुआ ना चांद में। नमस्कार, राम राम, क्या हाल चाल, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मुकुल ऑन व्हील्स में। मैं हूँ मुकुल, व्हील्स खड़े नीचे, जिनके थ्रू मैं आ गया था गुरुद्वार पहाड़ी शादी अटेंड करने। आज है वो दिन शादी का, आज शादी में जाएंगे, अगर सूरज उठ जाएगा तो फटाफट मैं रेडी हो जाता हूँ और लेट्स होप के उठ जाए, तब हम निकलेंगे फिर। और आज आपको दिखाएंगे पहाड़ी शादी, पहाड़ी खाना, पहाड़ी डांस, पहाड़ी ये, पहाड़ी वो। भाई उठ जाए यार, ओए शाबाश शाबाश शाबाश, आ रहा है आ रहा है, उठ जा। तो भैया बॉयज हो गए हैं रेडी, सूरज आया था घर पे अपने रेडी होने के लिए, ये रेडी हो गया वो अपने गाड़ी में, वो सामान निकाला शायद, और मैं भी रेडी हूँ। अब चलते हैं सीधा अपने वेन्यू पे और बारात में शरीक होते हैं, बारात में डांस करेंगे आज बारात में। नाइस कोट बड़ी पहले बार देख रहे हैं। हाँ, चेन विंड है पूरा, अमीर लोग चेन विंड डाल मोटी पार्टी भाई जी। चले फिर, चलो पहुंच गए थे शादी में, गाड़ी पार्क कर दी और ये वेन्यू है, ये वेन्यू है, ये आ रही बारात, सब नाचते हुए आ रहे हैं, मस्त बहुत स्पीड से आ बहुत स्पीड से आ रही है। अपने दूल्हे साहब आ रही है बारात, बारात तो रुकी नहीं रही, बारात तो बहुत तेज आ रही है, बहुत तेज, सच में बारात बहुत तेज आ रही है। हमारे यहाँ जाती थी तेज, हमारे यहाँ तो भयंकर बहुत लेट लगा रहे हैं, बहुत लेट। ग्रैंड सा ये, यहाँ पे बैठेंगे दूल्हा दुल्हन और यहाँ से एंट्री हो रही है, एंट्री बड़ी प्यारी है, बहुत ही एलिगेंट एंट्री है, और यहाँ बैठने का सारा है सिस्टम। सबसे अल्टीमेट मुझे लगा ये वाला कि खाना खाना है बैठ के, तो यहाँ बैठे खाओ, कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही तमीज से बनाया हुआ है। सबसे पहले भाई अपना फेवरेट चीज खाई जाएगी गोलगप्पे, सबसे पहले लग रही थी भूख तो ये हम खाने आ गए, गोलगप्पे खाए तो खा रहे हैं, प्लेट छोटी सी है पर आइटम अपने पास सारे हैं, सारे के सारे जितने अवेलेबल थे यहाँ पे रखे हुए, सब भर दिया मैंने इसमें। भैया क्या कर दिया अभी से ही, कितना खा लिया है सर पता नहीं यार, क्या कहाँ लगा, किसने लगाया, मैंने खुद निकाला, खुद निकाला लग रहा हूँ, खुद निकाला, कितना गोंदा लग रहा है, गोंदा मुझे गाइड कर, गाइड कर मुझे, राइट को राइट को, यहाँ थोड़ा सा लेफ्ट, मैं कर देता हूँ ला यार, तू भी ख्याल रखेगा। लो भैया दुल्हन की एंट्री भी हो रही है, बहुत सारे व्लॉग्स में मैं दिखा नहीं पाता दुल्हन की एंट्री, पर आज सब दिखा के जाएगा तुम्हारा भाई। भैया हो चुके जय वाला, भैया शादी हो गई, आपका प्लान कब का वैसा? भाई ठीक दो महीने, दो साल दो महीने बाद। इस साल 35 लाख शादियां हैं, आपकी कब होगी, जल्दी करो। रसमलाई है, रसमलाई है, रबड़ी कहाँ बोल रहे थे फिर, रबड़ी कहाँ है, रबड़ी भी है क्या, एक वो भी डाल दो मैं खा लूंगा। हाँ, एक मैं भी खा लूंगा, तू दो डाल दो। तो दिक्कत क्या थी फिर? नहीं तो जलेबी भी थोड़ी, जरा रबड़ी भी चाहिए ना। अच्छा अच्छा, ओहो तू बनाना चाह रहा है कि, तू कह रहा है कि हां मिक्स करके, अरे यार भाई जी यार मान गए, धन्यवाद, टेस्ट बड्स आपके मान गए, बना भी बना, मैं भी देखूंगा आज क्या बनाएगा तू, पहले ये तो खा जो ऊपर है। अच्छा पहले रसमलाई खानी पड़ेगी, हां तो कहां जगह नहीं बनेगी, डाल दी जलेबी और हलवा दिया, क्या बनाया देखो जुगाड़, बात तो है इसमें टेस्ट अच्छा होता है इनका मिक्स, मेरे को तो बहुत सही लग रहा है। जयमाला हो गई, दुल्हन आ गई,
डांस कर लिया, सब हो गया, बहुत मजे आ गए। अब बारी है खाने की, मेन खाने की मतलब। पहले खाया था हल्का फुल्का, जो हमने अलग अलग चीजें बनाई थी, आज डिश बनाई थी नई नई सुरेश ने, अब खाने की बारी है। और अपने तो फेवरेट है हमेशा से, कहीं भी जाओ दाल, सिर्फ और सिर्फ दाल। आगे भैया अपनी प्लेट, और पहाड़ी शादी है तो रोटी भी मंडवे के आटे की है। मंडवा वो जिसे सुरेश की मम्मी बनाती है लड्डू, ये उस मंडवे के आटे की रोटी है, फुल पहाड़ी वाइब्स। तो भैया हो गई शादी, वादी सामने पड़ गया, सब संपन्न हो गया, अब चलते हैं अपने अपने काम पे वापस। चिराग जा रहा है मेरे साथ दिल्ली, चलें फिर लेट्स गो करें। लेट्स गो कर लेते हैं। मुझे कि मैंने ना कल जो वो शादी, मजा तो बहुत आया, मैंने देखी मतलब शादी बहुत फास्ट थी यार, फास्टेस्ट शादी, बरात फटफट फटफट आई, सब कुछ फटफट हो गया, दो तीन घंटे में मामला निपट गया। मतलब हमारे क्या होता है ना, हमारे यहाँ बरात आती है 10-11 बजे तो बरात आती है, एंटर चलता रहता है खेल, पर फास्ट यार ऐसे होना भी चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। हाँ सारा काम टाइम पे निपट जाए, सही रहता है, मजा है। शो शो करते हैं, बाय बाय। तो भैया पहुंच गए थे फिर दिल्ली, चिराग को जस्ट अभी ड्रॉप करा है मैंने, और एक बात आपको बतानी थी, दिखानी थी कि रास्ते में कुछ हुआ था अभी जब हम आ रहे थे कोटद्वार से। हुआ ये कि एक बाइक पे दो लड़के जा रहे थे स्कूल के, जो होता जवान खून तो उस हिसाब से जा रहे थे, अभी आपको डैश कैम की फुटेज में दिखाऊंगा। और ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि कितने फायदे हैं एक छोटी सी चीज के, आपके अपने लिए भी और औरों के लिए भी। तो एक एक्सीडेंट हुआ रास्ते में, दो बाइक पे लड़के थे, उन्होंने बाइक का मना रखा था सांप ऐसे जू जू करके, और चिराग में बोल ही रहे थे कि भाई ये कितना गंदी चला रहे हैं और ये कहीं गिर ना जाए। ऐसे हमने बोला, उसके ही 20 सेकंड बाद हमारे सामने वो कट मारते हुए ट्विटर में घुस गए। अब आपको जो मेरा डैश कैम है इसकी फुटेज के थ्रू बताता हूँ कि कितनी काम की चीज है ये, क्योंकि जो लड़के गिरे थे वो गिरे अपने आप से, अपनी हरकत की वजह से, और एक गाड़ी वाला था आगे ऑल्टो वाला, उसके ऊपर ब्लेम आ रहा था। अब आपको इस वीडियो के थ्रू दिखाता हूँ। अब ये देखो आप लेफ्ट में जो ये दो लौंडे आए बाइक पे, ये देखो ये देखो सांप बना दे, सांप बना दे। तो लौंडों ने कहती सांप बना रखी है बाइक को। और अब आगे जो ऑल्टो है देखो, अब ये राइट लेके मारेगा कट, आगे डिवाइडर है ऑल्टो के जस्ट राइट में, ये गिरा यहाँ पे, ये गिरा और ऑल्टो वाले के आगे जाए गिरा, वो गाड़ी रुक गई वहाँ पे। और यहाँ से मैं भागा देखो लेफ्ट से सीधा वहाँ देखने के लिए कि हुआ क्या है। मैं वहीं खड़ा था, पुलिस वाले ने गाड़ी वाले को बोला साइड लगा भाई साइड लगा, सब मतलब इकट्ठे हो गए गाड़ी वाले के पीछे पड़ गए। अब मैं गाड़ी वाले के पास आया और उसको मैंने बोला, क्योंकि सब इसके पीछे पड़ गए थे, तो मैं इसको एक बात बोल गया, जो बात क्या थी अभी बताता हूँ आपको। देवी और सज्जनों वो बात ये थी कि जो मैं आपको इस बात को बताने का मेरा मोटिव है कि एक कैसे एक छोटी चीज आपका और सामने वाले का भी फायदा कर सकती है। तो मैंने उसको ये बोला, सब उसके पीछे पड़ गए थे और वो फैमिली के साथ था भाई, उसकी हालत खराब हो गई थी बेचारे की। तो जब सब उसको डांट रहे थे सुना रहे थे कि भारा भारा, तब मैंने उसको एक बात बोली, मैंने कहा डंडे वाली कोई बात नहीं है, पीछे मेरी गाड़ी है तुम्हारे जस्ट, उसमें डैश कैम लगा, मेरे पास रिकॉर्डिंग है सारे इंसिडेंट की, अगर तुम्हें चाहिए तो मुझसे ले लो और पुलिस वालों को दे दो और जो भी आए करना कर लो। तो उस टाइम फिर एक दो लोग और आए हीरो बन के कि कहाँ है रिकॉर्डिंग, उनको लगा मैं ऐसी बकवास कर रहा हूँ वहाँ में। तो मैंने एक को दिखाया जो ज्यादा हीरो बन रहा था, तो मैंने दिखाया सामने, मैंने कहा देख गाड़ी के बीच में क्या लगा हुआ है, तब उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हुई, तब फिर उन्होंने इसको छोड़ा गाड़ी वाले को। तो कहने की बात यह है कि ये बहुत काम की चीज़ है और ये अपनी सिफ्टी तो है ही इसके साथ, आप इससे और की भी हेल्प कर सकते हो, क्योंकि इससे मैं ऑलरेडी 2-3 लोगों की हेल्प कर चुका हूँ और मैं हमेशा मौका नहीं छोड़ता ऐसा कि भाई किसी के साथ ना इंसाफी हो रही हो तो मैं उसकी हेल्प ना करूँ। इसलिए आपने नोट किया होगा भी, तो मैं बहुत सारी वीडियोस में अपनी इसकी बात बताता रहता हूं और सबको रिकमेंड करता हूं कि इसको लगवाओ। और इसकी स्टार्टिंग बताया तो उसकी स्टार्टिंग प्राइस होती है 4,000 रुपये से, मेरे वाला है ये मुझे पड़ा था 10,000 रुपये, क्योंकि इसमें स्क्रीन और एक दो फीचर और थे, बट स्टार्टिंग 4 से भी हो जाती है। अगर आपको चाहिए वैसा कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी तो मुझे डीएम कर देना इंस्टाग्राम में, इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे आ रहा होगा। आई विल श्योरली ट्राई टू हेल्प यू, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई ये सबके पास हो और सब अपना सेफ्टी से चले। खैर इस बात के साथ ही अब अंधेरा हो चुका है, पहुंचते मैं भी चलता हूँ घर, चिराग को ड्रॉप कर दिया। और ये था शादी का व्लॉग, पहाड़ी शादी का व्लॉग, वापस आ चुके हैं अपने NCR में। यहाँ पे एक काम फंसा हुआ जो मैं बता रहा था अपने बैंक का, वो भी एक दो दिन में निपट जाएगा, उसके बाद जाएंगे मुजफ्फरनगर, क्योंकि वहाँ पे बहुत दिन से लोगों के कमेंट्स और DM आ रहे हैं कि भैया वापस आ जाओ शहर में, कुछ शहर भी घुमा दूँ मैं, तो वहाँ के ब्लॉग्स बनाएंगे जल्दी। अभी इस ब्लॉग को कमेंट कर देंगे, अगर आपके ब्लॉग अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा देना और उसको ऑल पर सेट कर देना, जिससे कि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और शायद मैं मुजफ्फरनगर से पहले एक और ब्लॉग डालने वाला हूं, वो होगा जोमालैंड का। जोमालैंड एक फेस्टिवल होता है जिसको नहीं पता, वो उस ब्लॉग में देखना, बाकी बातें अगले ब्लॉग में करेंगे। तो मिलते हैं सीधा उसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।